2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद इसी राज्य से चुनकर आते हैं। अभी हालिया सर्वे में दिखाया गया है कि यहाँ यूपीए या महाविकास आघाड़ी भाजपा को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यहाँ महाविकास आघाड़ी की एक घटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नेता कांग्रेस तोड़ो अभियान में जुटे हुए हैं। ताजा मामला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट के बीच चल रही खींचातानी का है। बाला साहब थोराट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है, उनके बीजेपी में जाने की चर्चा गर्म है। लेकिन इधर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इस मामले और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार नाना पटोले की वजह से गिरी थी। संपादकीय में कहा गया है, उद्धव ठाकरे सरकार गिरने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह पटोले की जल्दबाजी में स्पीकर पद से इस्तीफा देना था। पटोले अगर स्पीकर बने रहते तो बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती और शिवसेना के बागियों को अयोग्य करार दिया जा सकता था। सामना का कहना है कि पटोले के इस्तीफे के बाद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने स्पीकर का चुनाव न करवाकर दिल्ली में बैठे सुपर पावर्स को और बागियों को, जिन्हें बक्से दिए गए थे, सरकार गिराने का मौका दे दिया। ख्याल रहे कि जब शिवसेना के 16 विधायकों ने बगावत की थी तो डिप्टी स्पीकर नरहरि जरीवाल ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संविधान के विशेषज्ञों और महाविकास आघाड़ी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि बागी विधायकों को अयोग्य करार देने का स्पीकर का अधिकार सत्ता की जंग को महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मोड़ दिया होता। सामना यही नहीं रुकता, वो बाला साहब थोराट की तारीफ भी करता है। उसका कहना है कि महाराष्ट्र के बाला साहब थोराट सीनियर कांग्रेस नेता हैं, वो कांग्रेस के वफादारों में से हैं। उनके नेतृत्व ने मुश्किल समय में कांग्रेस को संभाले रखा। उनके बागी तेवरों ने कांग्रेस के बाकी बचे शाखों को भी खतरे में डाल दिया है। अखबार आगे कहता है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कामयाबी के साथ चुनौती दी है, उनकी पार्टी को एकजुट होकर काम करना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल बाला साहब थोराट और पटोले के बीच अनबन की वजह थोराट के भतीजे सत्यजीत तांबे का नासिक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से विधान परिषद के लिए चुना जाना है। तांबे आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच के रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है। थोराट ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि नाना पटोले के साथ काम करना उनके लिए मुश्किल है। जाहिर है चुनाव के वर्ष में यह रस्साकशी ठीक नहीं है। अगर कांग्रेस ने बहुत जल्द इस मामले को नहीं सुलझाया तो पार्टी की महाराष्ट्र में उसकी चुनौती धरी की धरी रह जाएगी। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखा हो। 2020 के एक संपादकीय में सामना ने 2024 के विपक्ष के नेता के तौर पर शरद पवार के नाम की वकालत की थी। इसके अलावा 2021 में कांग्रेस को बिना सिर का शरीर करार दिया था और ये भी कहा था कि कांग्रेस बीमार है, उसका इलाज करना जरूरी है, लेकिन इलाज सही है या गलत उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। उस संपादकीय में ये भी कहा गया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के साथ गुप्त समझौता कर लिया है और वो पार्टी को डुबोने के मकसद से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने किले यानी कांग्रेस की मरम्मत करना चाहते हैं, किले में रंग रोगन भरने का प्रयास कर रहे हैं, सीलन गड्ढों को भरना चाहते हैं, लेकिन पुराने लोग राहुल गांधी को ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को डुबोने की सुपारी कांग्रेसियों ने ले रखी है। हालांकि कांग्रेस ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इस आलोचना को बहुत गंभीरता से लिया है। पार्टी प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि नाना पटोले ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया था, उनके इस्तीफे का फैसला उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मशवरे से लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि सेना को गठबंधन की बुनियादी सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने गठबंधन के साथी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहरहाल
यहाँ वही सवाल है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस की अंतःकलह शुरू हो जाती है। अब 2024 का चुनाव नजदीक है, यहाँ पार्टी को एकजुट होकर चुनाव मैदान में आना चाहिए, तो अब उनके नेता अपने पुराने झगड़े चुकाने में लगे हुए हैं। यदि विपक्ष को मोदी को 2024 में सत्ता की कुर्सी से हटाना है तो उसमें महाराष्ट्र की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। यहाँ से बीजेपी गठबंधन ने पिछले चुनाव में 48 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी यही चाहेगी कि वो अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखे। अगर कांग्रेस में ऐसे ही चलता रहा तो चुनाव पूर्व सर्वे के आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे और बीजेपी का ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।